Hello friends, once again welcome to my channel, the C Programming by Madhuri Kumari. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे जो है C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करती हूँ. तो हर बार मैं जो क्या करती हूँ, एक नया प्रोग्राम लेके आती हूँ विद अ न्यू टॉपिक. तो सबसे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, उनको मैं बता दूँ कि आज जो मैं प्रोग्राम लेके आई हूँ वो किसके लिए, प्रोग्राम फॉर स्ट्रिंग्स. मतलब आज हम जानेंगे कि वॉट इज स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एरेज एज वेल एज हाउ वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रिंग. ओके, एंड उसके बाद जो है हम एक प्रोग्राम की हेल्प से इसे सीखेंगे. तो जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑफकोर्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा. ओके, तो आज जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है प्रोग्राम फॉर स्ट्रिंग्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रिंग्स होता क्या है इन सी लैंग्वेज. तो चलिए हम जानते हैं. सो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है. मतलब जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन कर लीजिएगा, लाइक ए बी सी, अगर आप इन तीनों को मिला के एक जगह स्टोर कीजिएगा तो ये क्या होता है, एक स्ट्रिंग बनता है. अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज अ वन डायमेंशनल एरे. जो स्ट्रिंग होता है वो एक वन डायमेंशनल एरे होता है. मैंने आपको फ्रेंड्स बता रखा है 1D एरे, 2D एरे क्या होता है. ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय अ नल सिंबल. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है \0 से जो है हम नल को रिप्रेजेंट करते हैं. इट मींस क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है और ये एक वन डायमेंशनल एरे होता है जो कि टर्मिनेट कैसे होता है, नल कैरेक्टर से. और नल कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, \0 से. ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग होता क्या है. नाउ हाउ वी डिक्लेयर स्ट्रिंग. सी यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग को जो है टू वेज में जो है डिक्लेयर कर सकते हैं. फर्स्ट कैर, ये क्या है, हमारा जो है डेटा टाइप है कैर. और यहाँ पे हमने जो है नेम लिया है, जैसे माई कैर, जैसे हम इंटीजर, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप लेते हैं, वैसे जो है कैर जो है एक तरह का डेटा टाइप है. और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसका नेम है माई कैर. अब हम इसको एक और तरीके से जो है स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. यहाँ पे क्या किया गया है, कैर यानी रिटर्न टाइप यानी डेटा टाइप लिया गया है, उसके बाद जो है वेरिएबल नेम लिया गया और यहाँ पे उसकी जो है मेमोरी लोकेशन, मतलब उसकी जो है स्टोरेज एरिया बताया हुआ कि वो कितने कैरेक्टर स्टोर कर सके, ये वेरिएबल कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकता है. तो यहाँ पे हमने इसकी साइज कितनी दे दी है, 10. द कैरेक्टर आफ्टर द नल कैरेक्टर आर इग्नोर्ड. अगर आप नल कैरेक्टर के बाद, सपोज आपने जो है कुछ कैरेक्टर स्ट्रिंग में जो है वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर किए, यानी स्ट्रिंग में आपने कैरेक्टर दिया, अगर आपने उससे आपने जो है \0 लगा दिया, यानी नल कैरेक्टर तक आप पहुंच गए, उसके बाद अगर आप कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो वो वैलिड नहीं होगा. बिकॉज जब कंपाइलर को जो है \0 दिख जाता है तो उसके बाद की जितनी भी कैरेक्टर्स होती है वो इनवैलिड हो जाती है स्ट्रिंग में. और स्ट्रिंग को हम कैसे पता करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हुई है, तो जहाँ पे \n दिखता है वहाँ पे जो है हमें पता चल जाता है कि ये जो है हमारा स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट है. तो होप फ्रेंड आपको जो है समझ में आ गया हो कि वॉट इज स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज. ओके, सो और मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरीके से हम जो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं इन टू वेज. ओके, सो चलिए अब हम जानते हैं. सो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट हम कैसे करते हैं. फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं, हम जो है बाकी की प्रोग्रामिंग करते थे सी लैंग्वेज में, उसमें हम क्या यूज़ करते थे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ फंक्शंस यूज़ करते थे. लेकिन हम स्ट्रिंग में क्या यूज़ करेंगे, पुट्स एंड गेट्स. पुट्स फॉर प्रिंट एफ एंड गेट्स फॉर स्कैन एफ. ठीक है, पुट्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, कंसोल पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाएंगे, ये जस्ट प्रिंट एफ की तरह वर्क करता है. एंड गेट्स क्या करता है, गेट्स से हम कोई भी डेटा को फेच करेंगे विद द हेल्प फ्रॉम द यूज़र. एंड ये बिल्कुल स्कैन एफ फंक्शन की तरह वर्क करता है. नाउ सिंटेक्स ऑफ एवर फंक्शंस की जो है सिंटेक्स कैसे होता है, जैसे हम प्रिंट एफ में क्या लिखते थे, जो हमारा डेटा टाइप है उसको हम परसेंटेज एस में लिखते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया और स्ट्रिंग लिया है, उसके बाद हम जो है वेरिएबल का नेम लिखते थे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कोई परसेंटेज एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का नेम डाल देंगे पुट्स के अंदर, पुट्स फंक्शन के अंदर.
नाउ सिमिलरली इन scanf, scanf में हम क्या किया करते थे, हम परसेंटेज एस लिखते थे, एम्परसेंट का साइन लगाते थे, फिर वेरिएबल का नेम लिखते थे सो दैट वी कैन फेच दी वैल्यू. बट इन स्ट्रिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी यूज अ गेट्स फंक्शन एंड इन दिस वी जस्ट थ्रो दी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. लाइक हमारे पास क्या था, यहाँ पे स्ट्रिंग वन था, तो हम डायरेक्ट जो है गेट्स में क्या करेंगे, स्ट्रिंग वन पास कर देंगे. यहाँ पे हमें परसेंटेज एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि स्ट्रिंग होता क्या है, हम उसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं एंड किस तरीके से हम इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग में परफॉर्म करते हैं. सो चलिए अब हम इसको जानते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग. लेट स्टार्ट, जस्ट ओपन योर कोड ब्लॉक्स कंपाइलर. सी मैंने इसे जो है ऑलरेडी ओपन कर रखा है एंड मैंने यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट कर रखा है विद द नेम ऑफ स्ट्रिंग वन डॉट सी फंक्शन, सॉरी विद द नेम स्ट्रिंग वन डॉट सी. तो अब आप नया पेज कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू एंड एम्प्टी फाइल. ओके, आफ्टर दैट आपका एक नया पेज खुल जाएगा. आप उस पेज को जो है कंट्रोल एस की हेल्प से जो है सेव कर लीजिए विद द नेम एंड डॉट सी एक्सटेंशन. ओके, तो चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम हर एक प्रोग्राम में क्या करते थे, हेडर फाइल लगा देते हैं. तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, हेडर फाइल लगाएंगे, हैज इंक्लूड stdio.h जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के लिए यूज होता है. ओके, stdio.h. बट हम स्ट्रिंग में जो है एक और फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है string.h. तो यहाँ पे हम क्योंकि स्ट्रिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है string.h एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में, हैज इंक्लूड string.h. सी स्ट्रिंग यहाँ पे हम लिखेंगे .h. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा है, void, बिकॉज आई डोंट want टू रिटर्न anything. ओके, तो ये मेरा क्या रिटर्न टाइप है एंड ये फंक्शन का नेम है. अब मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करूँगी. तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, char, char. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने स्ट्रिंग का नेम दूंगी. तो सपोज मैं स्ट्रिंग का नेम ही लेके चल रही हूँ, नेम. ओके, मैं इसे फर्स्ट वाले वेरिएबल की तरह, फर्स्ट वाले डिक्लेरेशन की तरह मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं इसको कोई साइज असाइन नहीं कर रही हूँ अभी. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया. आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, अभी प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से जो है इनपुट आउटपुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एंटर योर नेम. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते थे, कोलोन लगाते, सेमी कोलोन लगाते थे, उसके बाद हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते थे और यहाँ पे यूज़ करते थे परसेंटेज एस यूज़ करेंगे बिकॉज हमने ऊपर जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है. ओके, इसके बाद हम कॉमा लगा के एम्परसेंट नेम लिखेंगे बिकॉज हमने वेरिएबल का नेम क्या लिया है, नेम. ओके, अब हम यहाँ पे सेमी कोलोन लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि यूज़र को हम जो है क्या कर सके, वैल्यू रिप्रेजेंट करवा सके. तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ परसेंटेज एस इज योर नेम. ओके, मतलब आपका नाम क्या है, जो भी है परसेंटेज एस में जो स्टोर होगा वैल्यू वो आपका नेम है. तो चलिए अब ये हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा था प्रोग्राम और ये रेडी हो चुका है. अब इसे कंट्रोल एस की हेल्प से सेव करते हैं एंड इसे रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होता है. सी यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, तो मेरा नाम माधुरी है तो मैं एंटर करती हूँ. ओके, सो देखिए यहाँ पर लिख रहा है माधुरी इज़ योर नेम. इट मीन्स जो है अगर हम इसको स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से चलाएं तो ये बिल्कुल सही चलता है. सो अब हमने पढ़ा था इनपुट आउटपुट जो स्ट्रिंग में कैसे करते हैं, तो मैं अब आपको उसकी हेल्प से सिखाती हूँ. तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी. प्रिंट एफ फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, पुट्स. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट्स. ओके, और यहाँ पे मैं सेम मैसेज जो है कंसोल पे प्रिंट करवाऊंगी, एंटर योर नेम. उसके बाद हम स्कैन एफ की जगह क्या लिखेंगे, गेट्स. गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे हमें कोई भी परसेंटेज एस लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नेम लिख देंगे जो हमारे वेरिएबल का नेम है. और याद रखिए फ्रेंड, आपके जो है कैरेक्टर्स बिल्कुल सही होने चाहिए.
ओके अब मुझे क्या करना है, कंसोल पर प्रिंट करवाना है वापस से, तो मैं क्या लिखूंगी, पुट्स फंक्शन यूज़ करूंगी. ओके और यहाँ पे मैं सीधे नेम प्रिंट करवा दूंगी और अब हम इसे सेव कर लेंगे विद हेल्प ऑफ कंट्रोल एस एंड इसे रन करते हैं. फ्रेंड्स जो है हम चलिए अब इसको जो है एक बार सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस की हेल्प से. उससे पहले मैं चाहती हूँ क्या यहाँ पे मैं वेरिएबल का साइज डिक्लेयर कर दूँ. सपोज मैं यहाँ पे 20 डिक्लेयर कर रही हूँ. अब इसे हम सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं. यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, तो मैं एंटर कर रही हूँ अपना नेम माधुरी. ओके सी यहाँ पे आप दोबारा आ गया माधुरी, मतलब जो मैंने स्ट्रिंग एंटर करवाया था उसको पुट्स की हेल्प से जो है हमने क्या किया, फेच कर लिया. तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल काम क्या किया, जैसा हम एज इट इज हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हमने stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया क्योंकि हम स्ट्रिंग का काम कर रहे हैं. तो हमने एक और यहाँ पे नया हेडर फाइल इंक्लूड किया, दैट इज string.h, क्योंकि string.h हमने इसलिए यूज किया ताकि हम आगे चल के स्ट्रिंग के कुछ ये जो फंक्शन है पुट्स एंड गेट्स, ये जो स्ट्रिंग के अंडर ही आते हैं. तो इसलिए हम जब इसको string.h अगर हम फंक्शन ऊपर सॉरी string.h अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे अपने फाइल में तब ये पुट्स एंड गेट्स जो है वर्क करेंगे, अदरवाइज ये जो है एरर आपको शो कर देगा. ओके तो हमने क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, उसकी साइज दी, उसके बाद हमने पुट्स फंक्शन यूज़ किया और वहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम. यहाँ पे गेट्स फंक्शन की हेल्प से जो हमने फेच करवा लिया और फिर से पुट्स फंक्शन की हेल्प से जो हमने नेम को कंसोल पे जो है शो करवा दिया. ओके तो मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखा देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. सपोज अब मैं आप यहाँ पे एंटर कर रही हूँ टेक्नोलॉजी, जी नीचे आ गए यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख के. ओके तो इट मीन्स ये जो हमारा प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है. तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को जो ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और सॉरी इनपुट आउटपुट फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स एंड पुट्स. ओके तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.